सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे रूकी राइडर पे, और साथ ही साथ आपके लिए एक शानदार ब्लॉग आज मैं लेके आ चुका हूं। दोस्तों वैसे तो आपने थंबनेल टाइटल देख लिया, लेकिन 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 भाई काफी लोगों की डिमांड थी कि अपने गेमिंग सेटअप को हमें दिखाओ। तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपको अपना गेमिंग सेटअप दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं मेरा गेमिंग सेटअप ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो उस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं फिलहाल तो शॉर्ट्स में हूं भाई, तो इसलिए उस चीज को इग्नोर करना, क्योंकि आज का दिन हम अपने गेमिंग सेटअप को, ये देखेगा कि है मेरा गेमिंग सेटअप, इसको हम सारा चेंज करने वाले। चेंज इन साइज की यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक, इसको आप पेटी कह सकते हैं पंजाबी में, इसको बेसिकली पेटी कहते हैं, मैंने इसके ऊपर अपना सेटअप लगा के रखा हुआ है। और मैं आपको पूरा रूम दिखाऊंगा अभी कि कैसा मेरा रूम दिखता है, क्योंकि काफी लोगों ने बोला कि भाई एक सेटअप टूर लेके आओ। तो दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली एक छोटा सा ब्लॉग रहने वाला है, जिसमें मैं आपको सेटअप टूर दिखाऊंगा कि मेरा कमरा कैसे दिखता है, मैं कैसे बैठता हूं और कैसे आप लोगों के लिए स्ट्रीमिंग करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सबसे पहले इनको उतार दूं भाई। और मैं पहले बता देना चाहता हूं, मैं लेके आया हूं अपने पीसी सेटअप के लिए एक टेबल, जो कि हम यहाँ पे इस पेटी की जगह पे रखेंगे। और इस पेटी की जगह रख के, क्योंकि वो इसलिए रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जब मैं बैठता हूँ ना, तो मेरे जो पोस्टर है यहाँ पे मेरी लेग्स रहती है, तो मुझे कुछ इस तरीके से अपने आपको बेंड करके स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से भाई ये नेक जो है ना, ये बहुत ज्यादा दर्द करती है। तो आज का दिन हम इसको चेंज करके यहाँ पे टेबल रखेंगे, जिससे कि हमारा लेग पोस्चर अच्छा हो जाएगा। और बिना किसी देरी के आपको सबसे पहले दिखाता हूँ भाई, ये लेजेंडरी चेयर चेक करो भाई, इसके ऊपर बैठ के हमने पता नहीं लाखों नहीं कह सकते भाई, 100 से 200 या 300 कह सकते, हमें बहुत सारी वीडियो जो स्ट्रीमिंग की है। ये रहा मेरा मेन बीस्ट, जो कि है मेरा सीपीयू का वर्क है मैं प्यारा सा, और यहाँ पे मेरी पीसी की स्क्रीन है। तो ये दो स्क्रीन है मेरे पास, और ये रहा मेरा प्यारा सा कीबोर्ड, और ये रहा मेरा प्यारा माउस। और हाँ एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये चादर देख के मेरे को मीठा मछली बना भाई, मैं कोई ऐसा चीज नहीं है, ये मैंने सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बिछाई थी, ताकि क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब एक चीज बिछा रखी थी वो खराब हो गई, जिस वजह से मुझे यहाँ पे एक बेडशीट बिछानी पड़ी, तो इसको हम करेंगे चेंज। और यहाँ पे मेरा कीबोर्ड माउस आ चुका है, यहाँ पे दोस्तों हमारा सारा करता धरता वाईफाई, जिसकी वजह से भाई हमारी स्ट्रीम बहुत बार बंद हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों ये बंद हो जाता है, धोखा दे जाता है साला कई बार। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा भाई गंद पड़ा है, यानी कि थोड़ा सा खलेरा वगैरह यहाँ पे, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। ये सारा मेरा हेडफोन सेटअप, ये देखिए वायरिंग, इस समय मैं साफ सफाई करने वाला था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा उथल पुथल हो रखी है, उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट शॉट में आपको दिखाऊंगा ना, वो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, सारा हम साफ कर देंगे। और ये रही हमारी रिंग लाइट, और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनने के लिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा है, क्योंकि दोस्तों जब मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग करता हूँ ना, तो कई बार भाई मूड बहुत बोर हो जाता है, यहाँ पे मैंने एक पूरा का पूरा होम थिएटर का सेटअप लगा रखा है, जिससे कि मैं गाने वाला सुनता हूँ, अपना मूड फ्रेश करता हूँ। ये देखिए भाई गर्मियों का साथी पंखा मेरा साथी है भाई, ये थोड़ा गंदा रखा है, इसको भी साफ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंसान के साथ मिलाना चाहता हूँ। ये रहा वो लड़का जो कि आज हमारी हेल्प करने वाला है, और ये हमारा कैमरामैन भी है। तो यहाँ पे मैं मंदिर वाले कमरे में अपना सारा काम करता हूँ, क्योंकि दोस्तों भगवान के सामने काम करेंगे, खुद ही भाई हमारी नैया पार लगाएंगे ये बिल्कुल। और यहाँ पे एक अलमारी है, बस इतना छोटा सा ही रूम है मेरा, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ मैंने खुद बनाई है, ये वाली, ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ये मैंने खुद बनाई है खुद एकदम। तो दोस्तों यही था मेरा फिलहाल का सेटअप, और फिलहाल यहाँ पे मैं अपने इस टेबल को पूरा का पूरा चेंज करूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना सही दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको अपना सेटिंग पोस्चर दिखा दिया था, लेकिन अब जब यहाँ पे मैं टेबल लगाऊंगा ना, तो इस जगह पे एक फोल्डिंग बेड प्रॉपर आ जाएगा, जिससे कि ये फायदा होगा कि कई बार अगर मैं काम करके थक जाऊँ तो भाई वहाँ पे मैं लेट सकता हूँ इजिली। और भाई फिलहाल तो काम करना शुरू करते हैं, और आपको काम करने के बाद दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसे दिखता है। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए ब्लॉग पे, और अगले सीन पे जस्ट स्विच कीजिए, आपको तो टाइम नहीं लगेगा, हमें टाइम लगेगा काम करते हुए, आप तो जस्ट नेक्स्ट सीन एंजॉय कीजिए। तो फाइनली गाइस इतने टाइम की मेहनत के बाद हमारा जो रूम है वो तैयार हो चुका है, और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, लो हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरा रूम देखा था भाई, एक छोटे से यूट्यूबर का आपने सेटअप देखा था, अभी थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है, यानी कि एक टेबल ही ऐड किया और थोड़े रूम में से जो चेंजेस किए हैं उसके बाद भाई कसम वाली बात है, जो रूम की इस समय सिचुएशन है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुकी है, मतलब एकदम लुक ही भाई बदल गई एकदम रूम की, यानी कि जो पहले पेटी पड़ी होती थी ना भाई सेंटर में, जो मैंने आपको ट्रंक दिखाया था अपना, बेसिकली जो बड़ा वाला ट्रंक था, उसकी जो लोकेशन थी वो सारे रूम को एकदम कवरअप कर ली थी, लेकिन जो अभी फिलहाल लोकेशन है ना, सारी एकदम हर जगह को चेंज कर दिया, यानी कि हर चीज को उसकी डिफरेंट जगह पर रख दिया, वो मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये करना चाहूंगा भाई, बहुत मेहनत लगी है, मजा भी आया, हमने गाने भी सुने, बहुत मेहनत लगी, और मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि मेरे रूम में फिलहाल अब कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ है। और फिलहाल तो मैं ये करना चाहूंगा गाइस, सब्सक्राइब कर देना इतनी मेहनत के ऊपर, लाइक कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने रूम का थोड़ा सिस्टम,
सिस्टम, और यहाँ पे मेरा भाई इस समय थोड़ी सेटिंग कर रहा है अपने होम थिएटर की। दोस्तों सबसे पहली चीज जो हमारी पेटी थी जो कि यहाँ पे हुआ करती थी, वो हमने यहाँ से सेंटर से उठा के यहाँ रख दिया। उसके ऊपर जो हमारा पीसी हुआ करता था वो हमने हटा दिया और यहाँ पे इसको रख के एकदम चादर वादर बिछा के ना इसके ऊपर एक पिल्लो भी रख दिया जिसके ऊपर बेसिकली मैं बैठा करता था। तो इसलिए रखा ताकि अगर कोई भी बाहर से आए मेरा दोस्त या मेरा जान पहचान वाला तो यहाँ पे उसको बैठा भी सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे सोफा भी रख सकता हूँ, मेरी जगह है। और यहाँ पे इसको साफ वगैरह कर रहे हैं वूफर को। और दोस्तों हमने मंदिर को भी थोड़ा साफ कर दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे कालीन वगैरह सब बिछा दिया। और यहाँ पे भाई साहब एक बार चेक करो मेरा पीसी सेटअप। मेरा क्या भाई आपका ही है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो भाई सब कुछ बनेगा धीरे धीरे करके। और अगर आप लोगों की सपोर्ट रही ना तो भाई इससे भी बढ़िया वाला पीसी सेटअप हम बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है भाई आपका एक एक लाइक मोटिवेट करता है और आप जब देखोगे भाई ऑब्वियसली मतलब सपोर्ट मिलेगी। और फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये है वो टेबल जो मैं अपने पापा के ऑफिस से लेके आया था। इसको मैंने पूरा सही किया, इसके ऊपर जो ये सारा बहुत मतलब लिटरली बहुत गंदा था इसको मैंने सारा साफ किया और खुद ही इसको पेंट वगैरह करके सारा एकदम रेडी टू टॉप नॉच क्वालिटी इसकी मैंने कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरा पीसी Ryzen 3200G प्रोसेसर 1660 सुपर का 6GB ग्राफिक कार्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कितना ही ज्यादा मस्त लग रहा है भाई। और फिलहाल तो ये है मेरी मेन स्क्रीन जिससे कि मैं गेम खेलता हूँ। यहाँ पे मेरा वेबकैम है जैसे कि आप लोगों को पता है, जिससे आप मेरी सुंदर सी शक्ल को रोज देखते हो स्क्रीन पे और वीडियोस में। तो फिलहाल तो ये रहा वो कैमरा जो मेरी इतनी हेल्प करता है मेरी फेस को आप लोगों तक पहुंचाने में। और ये देखिए मेरे प्यारे हेडफोन्स जो कि है कॉस्मिक बाइट के ब्लेजर। तो यहाँ पे मुझे तो भाई बहुत महंगे मिले थे लेकिन अब तो ये बहुत सस्ते हो चुके हैं। तो ये रहा मेरा प्यारा राज दुलारा फोन जिसमें मैं आपकी चैट देखता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई आपके पास दूसरी स्क्रीन है तो आप इसमें देखते क्यों नहीं। दोस्तों इसका पंगा ये है क्योंकि इसके अंदर है वीडियो पोर्ट और मेरे पास कन्वर्टर नहीं है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था लेकिन वो काम नहीं किया। तो इसलिए अब मैंने एक और जुगाड़ लगाया है, जैसे ही वो लगेगा तो दूसरी स्क्रीन को भी हम चलाएंगे दोबारा से। और यहाँ पे ये रही मेरी दूसरी प्यारी सी स्क्रीन, ये भी वर्किंग पे है, वैसे खराब नहीं है, एकदम सही है। और ये रही मेरी रिंग लाइट जो कि भाई जब टिकटॉक चलता था ना तो लिटरली भाई दिमाग पे एकदम भूत सवार था टिकटॉक की वीडियोस बनाने का, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। जिस दिन मैं लेके आया साला उसी दिन टिकटॉक बैन हो गया भाई, ये देखो उसके अगले दिन ही टिकटॉक बैन हो गया। तो फिलहाल तो ये रहा मेरा पीसी सेटअप एक छोटा सा। और ये मेरा जो मैंने आपको पहले दिखाया था भाई हमारा प्यारा होम थिएटर जो कि हमारे अकेलेपन को दूर करने का एकमात्र साधन है। तो मेरा सारा लैंडस्कार्ट की स्पेक्स और मेरी ट्रॉफी पड़ी है जो मुझे भी नहीं पता भाई मैंने कब जीती थी और कब कहां जीती थी। और यहां पे भाई सारा टोटल सेटअप आप देख सकते हो पूरे रूम की। एक बार आपको लोकेशन दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके से भाई रूम दिखता है। और ये अलमारी के ऊपर मैंने अपना सारा जो पीसी का बॉक्सेस थे सारा सामान था मैंने उसी के ऊपर रख दिया है। और यहां पे भाई ये रहा हमारा सेटअप। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो जो कि एक छोटा सा सेटअप टूर था या कह सकते हो मिनी ब्लॉग था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा होगा। और भाई आपकी सपोर्ट से इससे भी बड़ा पीसी सेटअप एक दिन जरूर बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर देना है ताकि आपको ऐसे ही ब्लॉग्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। बड़ा सा लाइक करके अपने भाई को सपोर्ट करना है जो कि राइटर शुरू किया भाई ब्लॉग्स का और आगे आप लेके जाओगे। फिलहाल तो मिलते हैं आपको ऐसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों रेस्ट करना चाहता हूँ, सो जाऊंगा अब तो। और तब तक के लिए दोस्तों साइनिंग आउट एंड पीस आउट, बाय बाय।